दोस्तों क्या हुआ जब ट्रेन एक्सीडेंट से 10 दिन के बच्चे की जान बचाने खुद दौड़े चले आए स्वयं नाग देवता, और फिर जो हुआ उसे देख लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों कहते हैं महादेव शिव का हाथ भी अगर किसी पर हो जाए तो उसे काल तो क्या, खुद मृत्यु के देवता यमराज भी छू नहीं सकते। और ठीक ऐसा ही एक वाकया यहाँ बिहार के राजगीर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहाँ मात्र 10 दिन की बच्ची की जान बचाने स्वयं नाग देवता चले आए। दरअसल दोस्तों शाम के करीब 8 बजे एक महिला ने अपनी 10 दिन की बच्ची को रेल की पटरी पर फेंक दिया। ऐसा कर वह महिला वहाँ से चली गई, लेकिन रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उस महिला पर गौर नहीं दिया। जब स्टेशन पर ट्रेन के आने का समय हो गया था तो अचानक से उस बच्चे के पास एक बड़ा सा सांप आया और वहीं पर कुंडली मारकर बैठ गया, मानो जैसे नाग देवता शिवलिंग पर बैठ गए हों। तभी वहां मौजूद कुछ लोगों की नजर उस सांप पर पड़ी तो सबके होश उड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने लकड़ी की सहायता से उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन वह सांप वहां से नहीं हटा। कुछ लोगों ने तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचित किया। अब ट्रेन के आने में कुछ ही समय बचा था और रेलवे अधिकारी भी इस बात से अनजान थे कि सांप के पास एक बच्ची भी है। दोस्तों तभी वहां एक महादेव का भक्त आया और उस सांप को देखते ही समझ जाता है कि वह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि ये तो स्वयं नाग देवता हैं। दोस्तों वह शिव भक्त उस नाग के पास जाता है और दंडवत प्रणाम करता है और श्रद्धा से जय नाग देवता कहता है। कुछ ही देर में वह नाग धीरे धीरे रेलवे ट्रैक से जंगल की तरफ चला जाता है। जब तक दूसरी ट्रेन उस ट्रैक पर आती, उस व्यक्ति ने उस 10 दिन की बच्ची को वहां से तुरंत उठाकर गोद में ले लिया। दोस्तों ये नजारा लोगों ने और वहां मौजूद रेलवे अधिकारियों ने देखा तो सभी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे। दोस्तों आपको बता दें कि एक बड़े अधिकारी ने उस बच्ची का पूरा खर्चा उठा लिया और कहा इस बच्ची का पालन पोषण मैं करूँगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करना। धन्यवाद दोस्तों।